रमज़ान के ख़ास मौके के लिए इफ्तारी के लिए आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस अरेबियन डेजर्ट की रेसिपी। इसे देखकर तो काफ़ी लोग पहचान गए होंगे। ये है कुनाफा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी डिलिशियस है। सेवई का कुरकुरापन है इसमें और मलाई और क्रीम का जो क्रीमी टेक्सचर है, क्रीमी फ्लेवर है, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 400 ग्राम सेवई ले ली है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसे मैंने क्रश कर लिया है। ये थोड़ी सी रोस्टेड सेवई ली है, तो जिससे कि कुनाफा काफ़ी आसानी से बन जाता है। अगर आप कच्ची सेवई यूज़ कर रहे हैं तो रोस्ट करने के बाद उसे यूज़ करें, या रोस्ट करने के समय ही घी और कलर उसमें मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक चौथाई छोटा चम्मच केसर फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा देसी घी डालकर अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर देसी घी की जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसमें बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और बहुत ही अच्छा सा रंग भी आ गया है। तो अब इसे मैं साइड में रख दूंगी और चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पर मैंने एक कप दूध ले लिया है एक भगोने में और इसमें डाल दूंगी एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ना होने लगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध एकदम स्मूथ टेक्स्चर का गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं जम रही हैं। तो एकदम धीमी आँच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो जैसे ही दूध में ये गाढ़ापन आ जाएगा तो समझ जाइए कि कॉर्नफ्लावर भी पक चुका है, उसका कच्चा फ्लेवर निकल गया है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने लिया है दो छोटे टुकड़े चीज़ क्यूब्स के, यानी प्रोसेस चीज़, और करीब 150 ग्राम पनीर लिया है। इसे कद्दूकस करके दूध के मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कद्दूकस करते समय मैंने आँच को बंद रखा हुआ है। एक बार दोनों ही चीज़ें कद्दूकस हो जाएंगी तब आँच को फिर से शुरू करके एकदम धीमे फ्लेम पर इसे करीब 2 मिनट के लिए पका लूँगी, जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और पनीर को भी हल्का हल्का मसल लूँगी तो इसका जो टेक्स्चर है एकदम सही से आ जाएगा इस मिक्सचर में। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ पर पनीर की जगह यूज़ करते हैं रिकोटा चीज़, अगर रिकोटा चीज़ ना मिले तो उसका सही ऑप्शन है आप पनीर यूज़ करें। वैसे तो ट्रेडिशनली इसमें अकावी चीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको मिडिल ईस्ट में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर इंडियन मार्केट में अकावी चीज़ उतनी आसानी से अगर न मिले तो आप या तो रिकोटा चीज़ यूज़ कर लें, रिकोटा चीज़ की जगह आप चाहे तो पनीर यूज़ कर सकते हैं। और अकावी चीज़ वाला टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी, तो उससे थोड़ा सा आपको फ्लेवर और टेक्सचर मिल जाएगा अकावी चीज़ का। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोसेस चीज़ और पनीर फिलहाल मैंने डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आँच को फिर से 2 मिनट के लिए शुरू करके पकाना है, जिससे कि पनीर का कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा और साथ ही साथ जो प्रोसेस चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फ्लेवर को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, यानी कि पनीर का जो कच्चा फ्लेवर है इसे निकालने के लिए डाला है मैंने वनीला एसेंस करीब 1 टीस्पून, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो हमारा स्टफिंग है ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी शुगर सिरप, जिसे अत्तर भी कहते हैं। तो यहाँ पर करीब 1 कप चीनी ले लूँगी और साथ ही साथ ले लूँगी 1 कप के बराबर पानी। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। अब यहाँ पर चीनी को अच्छी खुशबू देने के लिए डाल दूंगी इसमें मैं केवड़ा एसेंस, जो कि 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है। 3 से 4 बूंद यहाँ पर नींबू का रस डाल दूंगी, तो इससे चीनी जो है बाद में क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इसका टेक्स्चर एकदम इसी तरीके से शुगर सिरप जैसा बना रहेगा। तो चलिए अब कुनाफा बनाने का फाइनल स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिडल साइज़ का फ्राइंग पैन लिया है, इसे मैं सबसे पहले देसी घी से ग्रीस कर लूँगी, तो इससे कुनाफा जो है पैन में चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पकाना होता है तो इसे पलटने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने देसी घी लगा लिया है फ्राइंग पैन में। और बाद में एक डोसा तवा यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि फ्राइंग पैन से थोड़े से बड़े साइज़ का लिया है, जिससे कि कुनाफा को पलटने में आसानी होगी। तो ये देखिए एकदम ऊपर तक मैंने देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब लेना है सेवई वाला मिक्सचर और उसे पैन में करीब 1/2 सेंटीमीटर के जितना थिकनेस में फैला लेना है और अच्छी तरीके से दबा लें, जिससे कि बिल्कुल भी ये बिखरे नहीं जब हम पलटें तब। और इसे इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर पूरे पैन में मैं स्प्रिंकल करके अच्छी तरीके से फैला लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लेयर सेवई का मैंने पैन में सेट कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए जो मिक्सचर है पनीर और चीज़ का, इसमें मैं मोज़रेला चीज़ डालकर इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी, ये रह गया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब ये जो पूरा मिक्सचर है सेवई के ऊपर पैन में फैला कर सेट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर
पूरे पैन में सेवई के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इसे डालूंगी और इसे फैला लूंगी। अगर आपका ये मिक्सचर सही से बना है तो बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी प्रॉब्लम के ये आसानी से फैला पाएंगे। नहीं तो कितनी बार होता है कि सेवई चिपक कर आपके स्टफिंग के साथ ही घूमने लगता है, तो वैसा यहाँ पर नहीं होगा। ये देखिए कितनी आसानी से इसे मैंने फैला लिया है। तो पूरे सेवई के ऊपर करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर के जितने थिकनेस में इसे फैला लें और फिर बचे हुए सेवई से ऊपर से इसे कवर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ का जो स्टफिंग है मैंने किनारों पर नहीं लगाया है, बस करीब 1 सेंटीमीटर के जितना किनारों से छोड़ दिया है और बाकी मैं यहाँ पर सेवई से इसे कवर कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर, तो सेवई से ऊपर से कवर करने के बाद हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा स्मूथ फिनिश दे लें। और अब इसे पूरी तरीके से तैयार कर लेने के बाद, पूरी तरीके से जो चीज़ की स्टफिंग है ये कवर हो जाए, तब इसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ाना है। तो एकदम धीमी आंच पर इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए डायरेक्ट चूल्हे पर पकाऊंगी और फिर 3 से 4 मिनट बाद एक दूसरा तवा लेकर उसके ऊपर इसे रखकर धीमी आंच पर करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मिक्सचर उतना तैयार करें जैसा पैन आपके पास है। तो जैसे मेरे पास मिडिल साइज़ का पैन था तो मैंने 400 ग्राम के बराबर सेवई यहाँ पर तैयार की मिक्स करके, और साथ ही साथ उसी हिसाब से मैंने स्टफिंग भी तैयार किया है। तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। करीब 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा रंग आने लगा है किनारों से, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। साथ ही साथ ये देखिए किनारों पर से भी जो सेवई है इसे इस तरीके से सेट करते हुए क्लीन सरफेस दे देना है किनारों से, जिससे कि जब आप पलटें इसे डोसा तवा के ऊपर तो ये आसानी से पलट जाए और बिल्कुल भी सेवई बिखरे नहीं। तो इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद करीब करीब 20-22 मिनट हो चुका है सेवई को पकाते हुए। तो अब दूसरा डोसा तवा लिया है जिसे भी मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर ये जो कुनाफा का जो सेट है पूरा उसके ऊपर पलट लेना है। तो सावधानी से पलटें जिससे कि कुनाफा बिल्कुल भी बिखरे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर डोसा तवा को फ्राइंग पैन के ऊपर सेट कर लेना है और हाथों से एकदम टाइट पकड़ के झट से फ्राइंग पैन को पलट लें, जिससे कि कुनाफा का पूरा मिक्सचर डोसा तवा के ऊपर आ जाएगा। और फिर इसे उसी तरीके से लोहे के तवा के ऊपर फिर से करीब 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी, जिससे कि दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुनाफा को डोसा तवा के ऊपर पलट लिया है, थोड़ा सा किनारे की तरफ हो गया है, लेकिन इसे बिल्कुल भी छेड़कर सेंटर में लाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि फिर सेवई जो है तले से खिसकने लगेगी और जो हमारा क्रीम चीज़ है वो तवे पर सीधे आ जाएगा तो तवे में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं पकाऊँगी। किनारों से भी हल्का सा सेवई जो बिखर गया था उसे मैंने ठीक कर लिया है और करीब 20-22 मिनट बाद ये जो हमारा स्टफिंग है ये तैयार हो गया है। और ये जो शुगर सिरप है इसे अब सीधे ही कुनाफा के ऊपर गरम ही गरम डालना है। तो आप देख सकते हैं किनारे से सिजल कर रहा है, यानी कि तवा भी काफ़ी गरम है, क्योंकि तुरंत ही मैंने एक बार 20-22 मिनट हो गया सेकते हुए। तो शुगर सिरप यहाँ डालूंगी तो कुनाफा जो है पूरी तरीके से शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और यही मीठापन देगा कुनाफा में। तो यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि अपने हिसाब से आप यहाँ पर शुगर सिरप डालकर कुनाफा सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा शुगर सिरप मैंने बचा लूँगी, अब यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लूँगी। तो ये देखिए पिस्ता से किनारों से गार्निश कर लेना है और बहुत ही अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखता है ये। तो ट्रेडिशनली इसी तरीके से पिस्ता से गार्निश करके कुनाफा सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से किनारों से पिस्ता से गार्निश कर लेना है, सेंटर में भी थोड़ा सा पिस्ता सजा लूँगी, तो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्ता से सजाने के बाद इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है और टेम्पटिंग दिख रहा है। ये टेस्टी तो उतना ही बना है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन कुनाफा बेसिकली मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये होता है कि चीनी आप अपने हिसाब से शुगर सिरप यहाँ यूज़ कर सकते हैं और उतना मीठा कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए शुगर सिरप मैंने अच्छे से डाल लिया है। सर्व करने के लिए अब यहीं पर डोसा तवा के ऊपर ही इसे छोटे टुकड़ों में काट कर आप सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसे गर्मा गर्म परोसें या तो फिर आप इसे थोड़ा सा फ्रिज में चिल्ड करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, तो एकदम सावधानी से निकालना है, नहीं तो फिर ये बिखरने भी लगते हैं।
क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर्व करने के लिए। और देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रहा है, और बीच में जो क्रीम चीज़ है उतना ही ज़्यादा मुँह में पानी आ जा रहा है देखकर इसे। सर्व करते समय अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा शुगर सिरप यहाँ पर ऊपर से सर्व करने के बाद भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कुनाफा बन के तैयार हो गया है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।